नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल सतरंगी जीवन में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पिंडी छोले। पिंडी छोलों को भटूरों के साथ खाया जाता है और ये टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं। इनका कलर ब्राउन होता है। आइए चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। छोले हैं जिनको पूरी रात मैंने पानी में भिगो कर रखा था। चलिए अभी इन्हें उबालने की तैयारी करते हैं। तो इसमें डाले जाते हैं खड़े मसाले जिनकी एक पोटली बनाई जाती है। चलिए अब पोटली बनाते हैं। पोटली बनाने के लिए आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं और या फिर सूती रुमाल ले सकते हैं। अब मैं डालूंगी इसमें चाय पत्ती। चाय पत्ती छोलों पर कलर आने के लिए डाल रहे हैं हम। अब रखूंगी मैं ये एक तेज पत्ता, ये एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च। अब इसकी पोटली बना लेनी है हमें। तो इस तरह से पकड़ के ये देखिए इस तरह से पोटली बनानी है। छोलों को उबालते वक्त उसमें छोले से दुगना पानी डलेगा, ये पोटली डाली जाएगी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला जाएगा। अदरक लहसुन को अच्छे से कूट कर डालें आप, जिससे उसमें फ्लेवर बहुत अच्छा घुल जाए, और थोड़ा सा नमक। चलिए अब इन्हें उबालते हैं। ये देखिए छोले हमारे उबल चुके हैं। तो इनको इतना उबालना है कि ये इस तरह से मैश हो जाए। इतना अच्छा कलर आया है इसमें। अब हम इसका पानी अलग कर लेंगे और छोले अलग कर लेंगे। पानी अलग करें जब इसका पानी फेंकना नहीं है तो हमें छोले बनाते वक्त यूज लेना है। छोले उबलने के बाद अब हम इसका एक मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने डाला है ये नमक, ये लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, थोड़ा सा हींग, काला नमक, कसूरी मेथी जिसको क्रश करके डाल रही हूँ मैं, ये सिका हुआ जीरा पाउडर है इसको क्रश करके डाला है मैंने, ये अनारदाना पाउडर है। आप ये सारा मसाला अपने छोलों के क्वांटिटी के अनुसार बनाएं। ये मिक्स मसाला रेडी है। चलिए अब छोले बनाते हैं। ये तेल को हमने गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, ये डालेंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, इनको बारीक क्रश कर लिया था मैंने। ये मिक्स अब डालेंगे इसमें ये प्याज जिसको बारीक कट कर लिया है मैंने। आप इसे चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से लो फ्लेम पे पकाना है। ये प्याज हमारा पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्योरी। ये दो टमाटर लिए हैं मैंने थोड़े बड़े साइज के और इनको ग्राइंड कर लिया है। इसे करेंगे मिक्स। अगर आप प्योरी नहीं बनाना चाहते तो चाहे तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसे अच्छे से पकाएंगे हम और फिर उसके बाद ऐड करेंगे मसाला। ये देखिए अच्छे से पकने के बाद इसमें ऑयल थोड़ा सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला। आप क्वांटिटी के अनुसार मसाला यूज करें इसमें और इसको करेंगे मिक्स। ये हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ छोले जिनको मैंने सेपरेट कर लिया था। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे वो जो पानी हमने निकाला था, जिस पानी को फेंका नहीं है, क्योंकि वो पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उस पानी में हमने खड़े मसाले डालकर छोलों को उबाला था, इसलिए इसमें टेस्ट उसी से आएगा। अब इसमें डालेंगे पानी। खड़े मसाले डालने के कारण से इस पानी से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, तो इन छोलों में टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। आप चाहें तो उस पानी में से थोड़ा पानी बचा के रख सकते हैं, क्योंकि आप छोले सर्व करते हैं तो छोले थोड़े थिक हो जाते हैं, तो जब भी आप सर्व करें तो उस पानी को आप वापस यूज कर सकते हैं इसमें सर्व करते टाइम। अब मैं इन छोलों को इस तरह से मैश कर रही हूँ। आप किसी भी मैशर से इन्हें मैश कर सकते हैं। आपको पूरे छोले मैश नहीं करने, थोड़े छोले ही मैश करने हैं। ये इस तरह से छोले मैश करने के बाद इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये ग्रेवी बहुत अच्छी हो जाती है। आप सोच रहे होंगे ये छोले रेडी हो चुके हैं। नहीं, अभी ये रेडी नहीं हुए हैं, अभी लगेगा इसमें एक तड़का। तो सबसे पहले इन्हें निकाल लेते हैं एक बर्तन में। ये तड़का बनाने के लिए ऑयल को किया है गरम। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा लहसुन, अगर आप लहसुन खाते हैं तो इसमें यूज कर सकते हैं, एक हरी मिर्च, और थोड़ा सा डालूंगी जीरे का पाउडर। ये जीरा सिका हुआ है, इसको सेक कर मैंने क्रश कर लिया था। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये तेल को मैंने अच्छे से गर्म किया है और गैस ऑफ कर दी है। लहसुन डालने से इसमें खुशबू बहुत अच्छी आने लग जाती है। अगर आप लहसुन खाते हैं तो जरूर यूज करिएगा। ये जिस बर्तन से मैं सर्व करूंगी उसी बर्तन में मैं तड़का डालूंगी। इसे करेंगे हल्का सा मिक्स।
ये देखिए क्या कलर आया है छोलों का। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू।